सो गाइस कैसे हो भाई साहब। आज का दिन सबसे इंपॉर्टेंट डे आप बोल सकते हैं, क्योंकि जितने हिंट्स निकल के आए थे ना सारे 26th के थे, और आज अपना फ्राइडे भी है। फ्राइडे को हमेशा अपडेट आता था, तो आज जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन बताना, ये मतलब इधर उधर के हिंट्स नहीं बोलेंगे, सारा ऑफिशियल न्यूज निकल के आया, सारा ऑफिशियल चीजें आप लोगों को दिखाने वाले हूँ, एंड काफी बड़े बड़े चेंजेस भी होने वाले जो कन्फर्म हो चुके वो भी दिखाने वाले हैं। हिंट्स मिले हैं, मतलब इतना सारा कुछ कि आप लोगों को इंट्रो में बता नहीं सकते। वीडियो इत्मीनान से देखिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कर दिए ना? अरे करिए यार, आप ही का चैनल है। यू आर चालाक ब्रो, चालाक चालाक ब्रो, चालाक। सबसे पहले तो भाई आप लोगों ने यहाँ पे टीजर देखा, मिनी इंट्रो देखा, वो भाई एक फैन मेड था, एडिटेड था, बट यहाँ काफी ज्यादा हाई पॉसिबिलिटीज लग रखी है। यहाँ ट्रेलर आने वाला है जिसमें यहाँ परेश रावल जी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंट्स दिया हुआ था, ऐसा धक धक हो रहा है। ये डायलॉग किन का था? मतलब एक तो हम लोगों ने निकाला था यहाँ हार्ट बीट 72 टाइम्स बढ़ता है, तो 7+2 29 हो सकता है 9 के हिसाब से। अब उसमें उतना लॉजिक शायद आप सब लोग नहीं बढ़े, बट यहाँ पे परेश रावल जी, यहाँ पे इनका डायलॉग है परेश रावल का, ये डायलॉग सुन लीजिए। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है। और इनका बर्थडे भी है 30 मई को, ठीक है 30 मई को बर्थडे, तो यहाँ पे मे भी हो सकता है कि यहाँ पे ट्रेलर उससे पहले आए जिसमें परेश रावल जी हो, एंड 30 मई को अपना गेम हो जाए। बट इससे भी पहले का तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिला हुआ। सबसे पहले तो यहाँ ट्वीट सब दिखाता हूँ, इतने लोग इतने सारे ट्वीट कर रहे ना अचानक से। कल देखिए कुलदीप लैथर को सब लोग जानते हो, कुल द ग्रेट विलेजर ई-स्पोर्ट के सीईओ। सो द BGMI लॉन्च इज ऑलमोस्ट अपन अस नाउ, इट विल बी एक्सप्लोसिव। BGMI लॉन्च एकदम, मतलब क्या बोलते हैं, हम लोगों के पास आ ही चुका है, और इस धमाका होने वाला है, इट विल बी एक्सप्लोसिव। सही में धमाका होने वाला है। गेम का तो अनाउंसमेंट हुआ तो हम लोगों को फुलझड़ी बोल सकते हैं, अब तो बम फटने वाला है। एंड उसके बाद यहाँ पे बहुत लोग पूछे भाई इस हफ्ते आ जाएगा क्या, इस हफ्ते इस वीक, तो यहाँ लिखा हुआ है कुलदीप लैथर इट सूड, हाँ आ सकता है इट सूड, तो ये चीज यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद यहाँ पे घातक भाई ने भी ट्वीट किया लॉन्च सून, कल यहाँ पे डाला, यहाँ देख सकते हैं 25 मई का डेट है, यहाँ पे लॉन्च सून, कभी भी लॉन्च हो सकता है, ये वाली चीज है। अब यहाँ पे ऑफिशियल एक न्यूज आप बोल सकते हैं, न्यूज नेशन एक मीडिया हाउस है, काफी बड़ा मीडिया हाउस, उन्होंने मतलब डायरेक्ट यहाँ सर्वर ओपन का टाइमिंग बता दिया, मतलब हम लोग सर्वर कब ऑन होगा, ये वाला आप लोग क्लिप देखिए, ठीक है यहाँ पे देखिए। इस दौरान इस पर नजर भी रखी जाएगी, और सूत्रों के मुताबिक जानकारी ये है कि 27 मई से पूरी तरह से ये गेम भारत में भी काम करने लगेगा। 27 मई से गेम पूरी तरह से भारत में भी काम करने लगे, मतलब 27 तारीख को अपना सर्वर ओपन हुआ, एंड सर्वर कब ओपन होगा, जब अपडेट आए, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आज अगर कुछ नहीं हुआ तो 27 कल ऐसा हो सकता है। भाई इतने बड़े मीडिया हाउस ने मतलब कुछ झूठ तो नहीं बोलेंगे, पहले न्यूज 18 वाले लोगों का भी हम लोगों को लग रहा था झूठ बोल रही है 3 मंथ वाला बात, बट एकदम करेक्ट बात चीज हुआ ये 3 महीना वाला, एंड इस बार न्यूज नेशन वाले बोल रहे तो कुछ तो यहाँ सोर्सेस होगा तभी ये बोल रहे हैं, तो मान सकते हैं आप 27 को भी आ सकते। अब मैं बस हिंट्स बता रहा हूँ, ये नहीं कि मैं अपने तरफ से कंफर्म डेट नहीं बता रहा हूँ, जो हिंट्स निकल के आ रहे हैं आपके सामने यहाँ ब्रेक डाउन करके सारा आप लोगों को समझा रहा हूँ। 27 में ये मीडिया हाउसेस का कहना है, परेश रावल जी का डायलॉग के हिसाब से चलेगा तो 30th में होगा, 30 में होगा, ठीक है। अब लेट्स सी दोनों में कौन सा डेट पे आता है। तो यहाँ मेजी भाई ने क्या कहा था कि BGMI कमबैक होगा सिर्फ 3 महीने के लिए, एंड यहाँ कोई भी लॉन्च पार्टी या ऑफिशियल ई-स्पोर्ट इवेंट नहीं होगा, मेजी भाई ने कहा था, ठीक है। तो ये वाला इन्फॉर्मेशन मैंने दिया, एंड अभी सारे क्रिएटर बोल रहे हैं हाँ लॉन्च पार्टी होगा। अब या तो मेजी भाई गलत बोल रहे हैं या अभी सारे क्रिएटर पे आज इन्फॉर्मेशन गलत है, क्योंकि यहाँ पे इको अपडेट्स ने भी डाला, यहाँ देख सकते BGMI लॉन्च पार्टी होने वाला है, क्राफ्टन सेट हो गया लॉन्च पार्टी इवेंट करने के लिए टॉप BGMI क्रिएटर्स के साथ, जिसके अंदर घातक भी होंगे, गोल्डी भाई भी, ठग भाई, स्नैक्स भाई, क्रॉन्टन भाई, एंड एक्सेट्रा, एंड कब होगा, 30 मई को होगा, ये कंफर्म है कि 30 मई को यहां लॉन्च पार्टी होगा। अब लॉन्च पार्टी में खेलेंगे क्या भाई, क्या खेलेंगे, गेम ही BGMI खेलना होगा, तो BGMI खेलने के लिए BGMI चाहिए ना, ठोक दीजिए बात। ऑब्वियसली है कि BGMI 30 में से तो पहले आने वाला है, ये चीज तो कंफर्म यहीं से हो रहा है लॉन्च पार्टी, अगर ये बात सच है तो। अब ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन का ही वेट करना कि लॉन्च पार्टी होगा या नहीं होगा, कुछ कह रहे होगा कुछ कह रहे नहीं हो रहा, तो मैंने दोनों पोस्ट आपको दिखा दिया। एंड कल इतने कमेंट आ रहे थे भाई BGMI का नाम चेंज हो रहा है, ठीक है क्यों यहाँ पे, क्योंकि BGMI का ऑफिशियल चैनल जो ई-स्पोर्ट चैनल उसका नाम ही चेंज हो गया। यहाँ देख सकते हैं पहले यहाँ पे था BGMI ई-स्पोर्ट, अब यहाँ पे यहाँ यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम का नाम चेंज करके कर दिया गया क्राफ्टन इंडिया ई-स्पोर्ट, क्राफ्टन इंडिया ई-स्पोर्ट। अब ये वाला नाम चेंज क्यों किया गया, तो यहां पे उन्होंने एक ट्रेलर भी डाला जिसमें कंफर्म हो जा रहा है इन्होंने नाम चेंज क्यों किया, ठीक है। यहां BGMI का नाम चेंज नहीं हो रहा है, ये वाला चीज आप लोग क्लियर एकदम
ठान लीजिए, ये मैं कंफर्म बोल सकता हूँ, बीजीएमआई का नाम बीजीएमआई ही रहने वाला है, यहाँ क्राफ्टन इंडिया उंडिया नहीं होने वाला। सो यहाँ देख सकते हैं क्राफ्टन इंडिया ई स्पोर्ट के यूट्यूब चैनल पे आ चुका हूँ एंड यहाँ अभी भी लोगों बाहर दिखा रहा है बीजीएमआई ई स्पोर्ट दिखा रहा है, बट ओपन जैसे करेंगे ना यहाँ पे देखिएगा यहाँ क्राफ्टन इंडिया ई स्पोर्ट हो चुका है। ठीक है, सबसे पहले तो सब्सक्राइब मार देते, सब्सक्राइब जरूरी है और आप भी मेरा चैनल सब्सक्राइब मार दे। सॉरी। और अब यहाँ पे ट्रेलर आप लोगों को दिखाएं, ट्रेलर में देखिए सबसे पहले तो ये चीज कंफर्म हो रही है, ये देखिए व्हीकल में जो आ रही है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो बाइक है क्वाड बाइक, ये नूसा मैप का, मतलब नूसा मैप भी कंफर्म हो गया बीजीएमआई में आने वाला है। एंड इसके साथ साथ ना यहाँ पे सिर्फ बीजीएमआई का सारा यहाँ पे होता था ई स्पोर्ट वगैरह उसका यहाँ पे वीडियो डाला जाता था, बट अब यहाँ देखिए काफी सारे गेम्स है। यहाँ देखिए न्यू स्टेट का आप लोगों को फोटो देखने को मिल रहा है, रोड टू वेलोर का देखने को मिल रहा है एंड यहाँ बीजीएमआई का देखने को मिल रहा है एंड और भी गेम्स है। मतलब अब ऐसा होगा ना ये चैनल पे सारे गेम्स मतलब हम लोगों को देखने को मिलेंगे, उसका ई स्पोर्ट होगा। एंड यहाँ लोगो देखिए कितना प्यारा बनाया गया, सारा इंडियन फ्लैग के हिसाब से ऑरेंज ग्रीन व्हाइट का कॉम्बिनेशन। अब यहाँ तो बीजीएमआई वाले पता नहीं क्या कर रहे, खाली मतलब हिंट्स पे हिंट्स ही दिए जा रहे हैं। भाई गेम लॉन्च करें ना, हम लोगों को हिंट्स नहीं चाहिए। तो यहाँ कल फिर से शाम में हम लोगों को लगभग 6:30 बजे के आसपास यहाँ पे एक फोटो डाला गया, इंडिया की हार्ट बीट कमिंग सून यहाँ करके लिखा हुआ है। एंड यहाँ अंदर फोटोज वगैरह देखे हैं तो ऐसा लगा आप लोगों को फिर से वो जो फैमिली वाला एपिसोड नहीं आ रहा, वो एक फिर से एक एपिसोड ऐसा लग रहा है वेब सीरीज बना रही है वाला चीज लग रहा है। बट यहाँ पे एक चीज आप लोग गौर करिएगा ना, पता नहीं ये क्यों मुझे ही बार बार दिखाई दे रहा है। अब यहाँ इंडिया की हार्ट बीट कमिंग सून लिखा हुआ ना, ये अल्फाबेट को आप काउंट करिएगा 26 निकल के आ रहा है, मतलब आज का डेट। भाई आज क्या होने वाला, कुछ तो आज धमाका होने वाला ऐसा लग रहा है, क्योंकि जितने हिंट्स आ रहे हैं भाई आज ही के आ रहे 26 का। एंड ऐसा होता है ना तो भाई या तो होता है कि धमाका हो जाता है या तो एकदम कट जाता है। अब ये दोनों में कुछ होने वाला, बट जो हिंट्स आ रहा मैं आप लोगों के सामने बस यहाँ प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन था। और हाँ, जो लोग टेलीग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ कल मैंने टेलीग्राम पे सारा इन्फॉर्मेशन डाल दिया, ये देखिए कल जो न्यूज़ आया मैंने 12:30 बजे ही डाल दिया था, क्योंकि वीडियो छोटा सा 20 सेकंड के क्लिप के लिए एक वीडियो मैं नहीं बना सकता, तो जो छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन रहता मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ ई स्पोर्ट्स चैनल के जो नाम चेंज है वो भी मैंने डाल दिया, सब कुछ प्रोवाइड कर देते हूँ। ऊपर भी मैंने बहुत सारा कुछ दिया, प्ले स्टोर का लिंक भी दे दिया था जब लिंक आया था। एंड और भी कुछ भी नहीं आएगा तुरंत मैं टेलीग्राम पे मैं 5 मिनट के अंदर डाल देता हूँ, तो वहाँ ज्वाइन रख कर रखिए। 3 लाख से ऊपर मेंबर आप बस सर्च करिएगा ना GK Afroz@ 360,000 एक ही मेरा है, वो वाला आपको ज्वाइन कर लेना है, उसका सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। एंड अगर टेलीग्राम यूज़ नहीं करते तो इंस्टाग्राम आप लोग बस फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे भी मैं स्टोरी लगा देता हूँ, यहाँ देख सकते हैं सारे स्टोरी लगाया हुआ। ठीक है, तो इंस्टाग्राम में भी फॉलो रखिए तो वहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और हाँ, आज आप लोग ना एस्टिमेट लेके चल सकते हैं, 50% चांस आज कुछ बड़ा होने वाला है, ये चीज़ देखिएगा, आज कुछ ना कुछ जरूर होगा और होगा तो भाई धमाका होगा। एंड उसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, आप लोग तो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो। इसी बात पर लाइक दबाइए भर भर के, मिलते कोई और वीडियो में, तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय हिंद।